श्रीमद्भागवत अध्याय अठारह ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित कौशाप श्लोक संख्या उनचास शब्द भक्ति गिरीशिशक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा पुत्र महामुनि स्वयं विप्रकृतो महामुनिस्वय विप्रकृत तद चिंत शब्द इस प्रकार पुत्र पुत्र कृत किया गया अगेना पाप से सह वे यानी मुनि अनुतः पश्चाताप करते हुए महामुनि मुनि ऋषि स्वयं स्वयं विप्रकृत इस तरह अपमानित होते हुए राजना द्वारा। राजा द्वारा न नहीं एवं निश्चय ही अगम पाप तत् वह अचिंत सोचा अनुवाद इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया तात्पर्य अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था अतएव परमेश्वर द्वारा क्षम्य था यद्यपि से मुक्त होना संभव न था महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की मध इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की वास्तव में यह भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित ऋषि तथा उनका पुत्र शुंगी तीनों मात्र थे अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था ओम ज्ञान जन शा कया श्री गुरु नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वपनांतिकम् बन्धाम् <toh> श्रीगुरु शेष तपकमलम् श्रीगुरु वै श्रवम् श्च शिरुपम् साधुजातम् सहगण रघुनाथाम वितम् तम् सजीवम् साध्वीतम् सावधुतम् कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादानु सहगण ललिता शिवी शाखां वितमश्च हे कृष्ण करुणासिन्धधि दिनबन्धो जगतपति गोपी शोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगिरा देव वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रनामामि हरिप्रिय वान शाखाकल्पतर बेश के पास सिंधु पतिता नाम पावनीभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्व गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण और एक श्लोक जिसमें काफी शिक्षा हमको मिल सकती है इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया ये ये दो बात। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटेगी जिसमें हम बहुत अगेन यहाँ पुत्र अगेना अगेन, अगेन पाप हम पाप करते हैं बहुत सारी ऐसी घटना आती है पाप होता है गलती से या जानबूझकर कभी कभी होता है ऐसी घटना आती है तो ये उस टाइम पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे हाँ ठीक है ये मैंने ठीक है इसमें क्या मैं जब तो करता हूं ना अभी गलती हो गया क्या करूं मैं हो गया नहीं पश्चाताप ओ मेरे से गलती हुई अभी मैं ऐसी गलती रिपीट नहीं करूंगा बहुत ये पश्चाताप बहुत जरूरी है प्रायश्चित बहुत गलती हो गई पश्चात प्रायश्चित है क्योंकि तो हम और कुछ नहीं कर सकते अभी इतने हमसे पाप होते कितने कीड़ी जीव जंतु मर जाते हैं अजाने में अनजाने में और किसी कितने भक्तों के प्रति भी अपराध हो जाते हैं अनजाने में लेकिन पश्चाताप होना चाहिए नियम ब्रेक हो जाता है कभी कभी किसी का पश्चातप होना चाहिए ओ। मेरे से इतना बड़ा गलती हो गया अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा और प्रार्थना करना चाहिए भगवान को और अच्छी तरह साधना करनी चाहिए कि अभी मैं दृढ़ता से करूंगा नहीं तो यदि हम ये अब नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है नाम के बल पर पाप करना हो जाएगा अभी मैं जब तो करता हूँ मैं अपराध किया क्या प्रॉब्लम है ठीक है नहीं यदि हम कोई अपराध हमारे से होता है जैसे कोई नियम टूट गया जो अक्सर ऐसा चांद कलयुग माया के प्रभाव से ऐसा हो सकता है जानबूझकर नहीं पूरा रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से कोई नियम हमसे टूट गया तो इतना हमें पश्चाताप करना चाहिए ताकि हम दूसरी बार वो नहीं कर सके और दूसरी बार भी यदि होता है तो पश्चाताप मतलब यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे ना तो हमारा वापस गलती करेंगे हम जान बुझ कर करेंगे क्योंकि माया वही देखती है माया के ये भी एक टेस्ट है हमें पश्चाताप होना चाहिए ओ oh, हो oh, oh, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान प्लीज क्षमा कीजिए मुझे अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा और माया प्रबल है तो हो भी सकता है ऐसा दूसरी बार भी लेकिन पश्चाताप महत्वपूर्ण है तो ये उन्होंने यहाँ लिखा है कि ये जो तीनों शमी ऋषि श्रुंगी पुत्र उनका पुत्र शुंगी और महारद परीक्षण तीनों के निमित्त बनाकर यह पूरा घटना हुई भागवतों को प्रकट कराने की तो ये महत्वपूर्ण बात है अभी भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा होना चाहिए कि, कि किसी को अपराध नहीं लगना चाहिए इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुना बालक को चुना श्रृंगी को जिनके ऊपर श्रमिक ऋषि कल आएगा श्रमिक ऋषि इतने पावरफुल उनको कोई पढ़ी नहीं थी थे इसमें क्या है मैंने उनका अपमान मैंने उनको स्वागत नहीं किया कोई भी कारण से हा? तो पेना इसमें क्या बड़ी गलती है तो उन्होंने राजा की गलती को बड़ा माना ही नहीं तो उनका वो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं बल्कि अपने पुत्र को उन्होंने डांटा कि तुमने क्या कर दिया ये कोई गलती है इसकी राजा की कोई गलती है महान राजा है सब प्रकार से रक्षण के पात्र राजा है उनको हमें ऐसा सहयोग देना चाहिए उसकी जगह तुम उनको विरोध किया तो इसीलिए ऋषि उनका पुत्र, ऐ, ऐसे मैंने सुना है कि पुत्र का पाप पिता को लगता है एक उम्र तक ऐसा तो क्योंकि वो भी निमित्त है इसीलिए वो भी उनको भी कुछ ये नहीं होना चाहिए क्योंकि तो भागवत हम प्रकट करो भगवत इच्छा ऐसी थी इसलिए उनका क्षमा कर दिया भगवान ने हाँ क्योंकि उन्होंने बोल दिया ये कोई गंभीर अपराध नहीं है इसलिए वो क्ली, क्लीन चीट मिल गया उसका <laughs> अभी कहा शुंगी पुत्र अभी वो तो बच्चा है और उनका पश्च उनके लिए भी भगवान को शमी कृष्ण ने प्रार्थना किया और भगवान भगवान को प्रार्थना भगवान सुनते हैं इसलिए ऐसे पात्र सिलेक्ट किए गए नहीं तो समझो ये भी लाना था ब्राह्मण को पतित करवाना था भागवतम का उद्घाटन करवाना था भागवतम को प्रकट करवाना था तो कुछ तो ऐसा चाहिए ना कारण तो चाहिए ना जैसे अर्जुन को मोह में रख दिया भगवत गीता प्रकट करवाने के लिए हाँ तो अर्जुन ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करने लगे ऐसे देखे जाए तो ऐसा बहुत सॉलिड उन्होंने आर्गुमेंट की थी अर्जुन ने लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मूर्खतापूर्ण जैसे यहाँ परीक्षित महाराज ने जो हार पहना है सांप का हार वो मूर्ख का पूर्ण कर्म था कार्य था ऐसा हमको लगता है मूर्ख जैसा कार्य किया नहीं भगवत इच्छा थी हा? इसी प्रकार भगवत इच्छा से मोह में पड़ गया बोला मैं अभी मोहित हो गया हूं अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा रख दिया वास्ता तो जो ज्ञान ज्ञानी है ज्ञानी या आत्मा और शरीर का भेद समझते हैं वो ऐसा वो तो ये अर्जुन क्या कर रहा है हा? एक क्षत्रिय हो क्या युद्ध से भाग रहा है ऐसा लगेगा उनको लेकिन अज्ञानी वो, आ, ये बहुत अच्छा कार्य किया उसने युद्ध नहीं किया हा? अच्छा है युद्ध नहीं करना चाहिए शांति वो क्या है शांति परमो धर्म नहीं क्या है वो अहिंसा परमो धर्म युद्ध में तो कितनी हिंसा होती है तो, तो जो मूर्ख लोग ये समझेंगे मूर्ख लोग ये समझेंगे कि परीक्षित महाराज में कल प्रवेश हुआ था इसीलिए परीक्षित महाराज ने किया। ऐसा किया मूर्ख मूर्ख समझेंगे ने बहुत बढ़िया कार्य किया लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी भग... यहाँ एक और पॉइंट जो है देखो यदि हमारे अपमान होता है तो हमें निष्पक्ष रहना चाहिए ठीक है मेरा कल भी हमने समझा था इस बात में तो उसने राजा द्वारा किए गए कि अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया इसलिए तीनों छूट गए उनका तो अपमान बड़ा था ही नहीं परीक्षित महाराज का और उस उनको जो शाप दिया गया तो यहां पर ऊपर लिखते हैं कि परीक्षित महाराज ने उस शाप को ध्यान में ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने फायदा उठाया ओहो हो अच्छा मौका मिला है नहीं तो मैं कब निकलूंगा देखिए ऐसा ही घटना विदुर महाराज के साथ हुई थी जब विदुर महाराज राज्यसभा में थे वो ध्रुतराज को दुर्योधन के बारे में बता रहे थे कि ये इसको निकालो ये पूरा वंश का नाश कर देगा हा नहीं माना और बल्कि ध्रुतराज दुर्योधन ने क्या किया डांटा उनको ये लाभ लेके है निकल गए अभी मुझे रहना ही नहीं इस घर में देखो ऐसे भक्त भगवत भक्त भग लाभ लेते हैं है ना भगवत इच्छा को समझ के लाभ लेते हैं अरे ऐसा मौका मिला है भागो यहां से घर से निकलो नहीं तो कौन छोड़ेगा मुझे विदुर को कौन छोड़ते हैं घर में घर से निकले परीक्षित महाराज को कौन रिटायर करते है? है देखो भगवान ने एक ही बात में कितने कार्य कर लिए परीक्षित महाराज का उद्धार कर दिया भागवत प्रकट करवा दिया हाँ ब्राह्मणों का जो दूषित उसके द्वारा कली प्रवेश कर रहा था वो क्लियर कर दिया शमीक ऋषि का गुण भगवान ने प्रकट किया कि देखो कितने महान संत है ऋषि है कि उन्होंने अपने बेटे को यहाँ युद्धि ध्रतराज ने क्या किया बेटे को नहीं डांटा हाँ और पांडव को जो अच्छे आदमी थे उसको बुरा किया उसका बुरा करने का सोचा श्रमिक ऋषि ने क्या किया नहीं शुंगे गलत है चाहे वो मेरा पुत्र क्यों ना हो गलत है वो तो ये सब हमें गुण पता चलते हैं और हम ऐसे गुण ग्रहण कर सकते हैं इसी से और एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं इसमें देख रहा हूं क्या है वास्तव में ये भगवत इच्छा थी अभी ये देखिए भगवत इच्छा को समझना है हमको भगवद इच्छा क्या है भगवान क्या चाहते हमसे hmm. ये यदि हमारी इच्छा भगवत इच्छा के साथ मिल गई तो हमारा कार्य सफल है यदि हम जो भी कार्य कर रहे क्या ये भगवान की इच्छा है hmm. यदि ऐसा कर रहे हैं और वो भगवत की इच्छा है भगवत इच्छा है तो समझना चाहिए हम सफल है तो हमें एक एक चीज चेक करनी चाहिए क्या ये भगवत इच्छा है ये कैसे मालूम पड़ेगा hmm. कि ये भगवत इच्छा है कि नहीं हमारा कार्य साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या साधु इसको अनुमोदन करते है क्या शास्त्र इसको अनुमोदन कर तीनों का मिलन होगा जैसे हम यहां समझ सकते हैं ये पूरी जो भगवती चम शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं शास्त्र में किसको क्या करना चाहिए ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है राजा का क्या कर्तव्य है और ये भागवतम प्रकट हुआ ये प्रभुपात कहते हैं साधु कहते हैं कि भगवत इच्छा थी और हम एक बच्चा भी समझ सकते है। यदि वो साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से चले और उनका सौभाग्य होगा तो एक बच्चा भी कह सकता है कि अर्जुन मोहित हुआ भगवत इच्छा से परीक्षित महाराज ने गले में हार पहना भगवत इच्छा से लेकिन परीक्षित महाराज भी बहुत पश्चात आप कर अरे मैंने ये क्या कर दिया कर्म उन्होंने ऐसा नहीं ठीक है इसमें मैंने क्या बड़ा गलती किया ऐसा नहीं सोचा परीक्षित महाराज ने ओ हो हो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई अच्छा वो उसने मुझे शाप दे दिया देखो छोटी गलती अपनी छोटे दोष को बड़ा गिनते हैं भक्त शुद्ध भक्त और दूसरे की बड़ी गलती को छोटा गिनते हैं अच्छा वो उसने शाप दे दिया मैं उसके लायक ही हूं ऐसा मैंने क्या कर दिया है? मैं राजा हूं तो क्या हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा पश्चात आप तीनों दोनों पक्ष में पश्चात है बच्चे का तो पश्चात उसको तो क्या सही है क्या गलत है मालूम ही नहीं था तो उसका पश्चात ने किया शमी कृष्ण ने भगवत इच्छा देखिए हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी आएगी बहुत सारी घटना आएगी हम्म क्या भगवान की इच्छा है वो देखना चाहिए मैंने कार लिया भगवान की कृपा से क्या वास्तव में भगवान की कृपा है कार लेना है ये सोचना है हम निंदा नहीं करते हैं कोई ऐसी का लेकिन ये ये कॉन्सेप्ट समझना है भाई हमारे घर में ठाकुर जी है इसीलिए ए सी हमने रखा है ठाकुर जी को ठंडा करने के लिए तो ये क्या वास्तव में भगवती चाहे ठाकुर जी चाहते हैं ये सब हमें समझना है एक एक चीज को क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं तो गीता देखो भगवदगीता हम क्या कहते हैं तांति दीक्षव भारत मात्र स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोषण सुख दाह आगम पाई नो नित्यास्व भारत सहन करना सीखो ठंड गर्मी आएगी उसको सहन करना सीखो नो डाउट कभी कभी हम यूज करते तो कोई ये नहीं है लेकिन हम स्पेशल यदि जरूरत नहीं फिर भी हम इसका यूज करेंगे फिर इसीलिए हम सबको ये सब चीज भगवत इच्छा है कि नहीं समझने मेरे पास पैसा है धन है इसीलिए मैं ये वापर सकता हूँ ये कर सकता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्या भगवत इच्छा है हमारे प्रत्येक कार्य में मैं जो कमा रहा हूं जो बिजनेस कर रहा हूं नौकरी कर रहा हूं क्या भगवत इच्छा है वो कैसे मालूम पड़ेगा हुँ? ये भगवत इच्छा है कि नहीं क्या मैं जो भी कमा रहा हूं उससे मैं डोनेशन दे रहा हूं वो पैसा मैं भगवान की समय लगा रहा हूं कि नहीं नहीं तो हम सोचेगा हम एक लाख रुपया भगवान की कृपा से भगवान की इच्छा से मेरे पास एक लाख रुपया आ गया और भगवान को देके पांच सौ रुपया मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं शास्त्र को क्लियर कर रहा हूं मेरे लिए भी आप सबके लिए हुँ? हम सोचते हैं हम बहुत कमा रहे भगवत इच्छा यस भगवत इच्छा है लेकिन ऐसा बड़ा हमारा लाभ क्या होगा उससे जब हमारी इच्छा भगवत भगवान क्या कहते हैं हाँ? कुछ तो दो पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया भगवान क्या चाहते हैं हमसे कुछ नहीं चाहते सिर्फ एक ही चीज चाहते भक्तिया भक्ति और कुछ नहीं भगवान चाहते हैं हमारे एक सफरजन अर्पण करने से भगवान को क्या क्या भगवान भूखे ना सफरजन क्या पूरा दुर्योधन ने पूरा छप्पन भोग के लिए भगवान को बुलाया नहीं लिया भगवान ने ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको कि भगवान सब ग्रहण कर लेंगे इसलिए हम बहुत केयर रखते हैं हमारे मंदिर में भी कि ब्राह्मण दीक्षित भक्ति कुकिंग करे और यहां हम सोला माला करने वाले ही कुकिंग करें क्यों वो भक्त है भक्त्या भक्ति से मुझे अर्पण करो भक्ति से अर्पण करो तो यदि मैं एक लाख रुपया कमाता हूं तो मैं भक्ति होगी तो मैं भगवान की सेवा में बहुत दूंगा भक्ति ने होगी तो मैं दे रहा हूं 500 रुपया ये भावना ये भगवत इच्छा नहीं है तो जब हमारी ऐसी भावना होगी तो भगवत इच्छा जब नहीं होगी हमारे कार्य में तो क्या होगा कि हम इंद्रित तृप्ति करेंगे ये स्पष्ट बात है और हम ऐसे फंस जाएंगे हमें मालूम नहीं पड़ेगा हम सोचते मैं इतना कमाता हूं अभी मैं शांति से जीऊंगा हमारा लाइफ एंजॉय करूंगा और भक्ति भी करूंगा भगवान की योजना नहीं है लाइफ एंजॉय करो और भक्ति करो ये बिल्कुल योजना नहीं है क्योंकि लाइफ एंजॉय करने का सवाल कब आता है बुढ़ापे में पचास साल के बाद बुढ़ापे में आता है और भगवान क्या कहते हैं यज्ञ तप दान तप ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए तो यज्ञ किसके लिए है ब्रह्मचारियों के लिए दान किसके लिए गृहस्थ के लिए है और तप किसके लिए वानप्रस्थ के लिए, के लिए। है ठीक है तो वान प्रस्थ अगर हम पैसा इकट्ठा करें वान प्रस्थ बुढ़ापे के लिए और बुढ़ापे में अगर हम इसको एंजॉय करेंगे तो ये तो शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध हो गया बुढ़ापे में एंजॉय नहीं करना है बुढ़ापे में तीव्र भक्ति करनी है अभी मौका मिला अभी मैं पूरा दिन फ्री हूं मुझे कोई इतना बड़ा अटैच मतलब बड़ा जवाबदारी नहीं है क्योंकि बेटे कमाने लगते हैं मेरा कोई बड़ा ये नहीं है अभी मैं एंजॉय नहीं अभी मैं भगवत भक्ति दृढ़ता से तप से करूंगा और तब कोई बड़ा तप नहीं है उग्र तब हमको ध्रुव महाराज जी इतना बड़ा तप करना नहीं पड़ेगा यदि हम भगवत इच्छा से कार्य करेंगे ध्रुव महाराज ने भगवत इच्छा से किया कैसी भगवत इच्छा उनकी माँ सुनीति और नारद मुनि दोनों ने मिलकर ध्रुव को आज्ञा दी और उन्होंने उनके आदेश का पालन किया इसीलिए वो भगवत इच्छा है गुरु की इच्छा भगवत इच्छा है हुँ? तो इस प्रकार यदि हम करेंगे सेवा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सेवा करूंगा मैं तो ऐसे ही सेवा करूंगा, तो वो भगवत इच्छा नहीं है उसमें डिवोशन नहीं है भक्ति नहीं है और भक्ति के बिना भगवान कुछ नहीं स्वीकारते हैं, चाहे हम कितने भी क्यों ना हो कितने कल हम बात कर रहे थे ना कि बहुत धनी लोग हैं इसको में दान भी देते हैं लाख रुपया पचास हजार दो लाख पांच लाख दान देते हैं लेकिन मंदिर नहीं आ सकते हैं देवताओं कितना भगवान के भक्त है लेकिन सकाम भक्त है जब कल पूछ रहे थे कि भाई खटवांग मुनि को ने पूछा देवता ने बोला वरदान मांगो खटवांग मुनि ने पूछा कि मेरा आयुष्य कितना बाकी है एक क्षण बाकी है आपका आयुष्य अरे मुझे जल्दी गंगा किनार भारत में ले जाओ तो महाचंद्र ने प्रश्न पूछा कि प्रभु खतवान मुनि को उन्होंने बोला और देखा उनके सामने ही भगवत धाम जा रहे तो देवताओं को ऐसी मती क्यों नहीं आई कि हम भी भगवत धाम जाए चलो नहीं? सबसे बड़ा रीजन है इंद्रिय तृप्ति भोग उनको बहुत बड़ा मौका है भोग भुगतने का बहुत बड़ा मौका है देवताओं को क्या हम समझते हैं देवता बहुत भोग बुग भुगतते हैं हम हमें वर्णन भागवत हमसे भी मिलेगा अपनी सुंदर पत्नियों के साथ कहीं पे उनको तो काम वहां तो काम है ही नहीं देवता को क्या काम है हुँ। सब कंट्रोल करना ये काम है वैसे इस समाज इस चौदह लोग का मैनेजमेंट करना उसमें सेवा करना काम तो है वैसा नहीं है पर हमारी तरह नहीं ऐसा लोखंड बनाओ कार बनाओ है फिर केमिकल बनाओ ये सब काम नहीं होगा एनी वे वहां क्या होगा मुझे मालूम नहीं पर पॉइंट ये है कि भाई देवता तो इतना भोग ऐश्वर्य में रहते हैं तो यदि हम भी हमारा भी ऐश्वर्य होगा भोग होगा और हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम भी देवता की तरह भोग भक्ति भी करेंगे और भोग भी एंजॉय करेंगे तो अंत्य नारायण स्मृति करना मुश्किल हो जाएगा अंत भोग पूरा जीवन भोग वृत्ति करेंगे तो अंत में वही होगा यदि अंत में हमें परीक्षित महाराज की तरह भगवत धाम जानना है भगवान का स्मरण करना है तो फिर भगवत इच्छा से हमें कार्य करना पड़ेगा नहीं तो हम देखते हैं बहुत साल हो जाएगा भक्ति में मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं डिटेचमेंट नहीं होता है मौका मिलता लाभ नहीं उठाते हैं मौका मिलता लाभ नहीं उठाते प्रभुपाद को मौका मिला बिजनेस चौपट हो रहा है आग लग गई नौकर चोरी कर दिया तुरंत मौका उठा लिया यस ये भगवत इच्छा भगवत इच्छा ये हमें समझना है यही सीखना है इस बात से कि भगवत इच्छा क्या है मेरे जीवन में भगवत इच्छा क्या है मेरे लिए भगवान की इच्छा क्या है वो समझो जो भी कार्य करते हैं हम जो भी कार्य करते हैं भगवत इच्छा क्या है अपनी योजना उसी प्रकार बनाओ भगवत इच्छा के प्रकार योजना बनाओ यदि हमने भगवत इच्छा के विरुद्ध योजना बनाई तो हमारा नाश होगा यदि भगवत भक्त होगा तो नाश नहीं होगा दूसरा जन्म लेना पड़ेगा फिर तीसरा जन्म लेना पड़ेगा मालूम नहीं हमको हम सब लाला ही थे कि यही जन्म में भगवत दाम जाए अभी और जन्म नहीं लेना है तो फिर भगवत भगवत आंकना भगवत इच्छा समझनी पड़ेगी हालांकि ये तीनों में से दोनों मतलब परीक्षित महाराज समझ गए श्रमिक ऋषि भी समझे पश्चाताप कर दिया और शुंगी का तो कोई सवाल ही नहीं आता वो तो भगवान को माफ करेंगे क्योंकि भगवान की इच्छा थी इसीलिए भगवत इच्छा करते हुए हमारा कोई अपराध हमसे भी हो भगवत इच्छा को पालन करने तो बड़ा नहीं होता है वो अपराध लेकिन हम इंद्रिय तृति का विचार करेंगे तो बहुत बड़ा होगा इसीलिए हमें हमारे भगवत इच्छा को जानने के लिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी भक्ति भक्तिया मामा भी या, यावन तो मुझे मूल रूप से भक्त जान सकते हैं भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं और कोई योगी ज्ञानी तपस्वी कोई नहीं जान सकता भगवान को भगवान को जानने की बात भगवत इच्छा भी नहीं जान सकते हैं इसीलिए आचार्य बड़े बड़े आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत कृष्णा मैं कृष्ण की होगी तो, तो मैं कल रहूंगा कृष्ण की चौगी तो मैं सेवा करूंगा कृष्णा विलिंग यानी हम जो भी सेवा करते हैं वो भगवान इच्छा है बस हमारी चेतना भक्तिमय होनी चाहिए मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं बहुत बड़ा आभार भगवान कि आपने मुझे ये सेवा दी भगवान मैं मंगला में आ रहा हूं वो बड़ी बात नहीं है भगवान मुझे बुला रहे हैं भगवान मुझे उठा रहे हैं भगवान उठा रहे हमको नहीं तो कितना भी अलार्म रख दो बंद करके हम सो जाएंगे ये आता है हम इधर आते इसीलिए हम लोगों को भगवान आप तो दयालु है मेरे पर कितनी दया करते हैं थैंक यू आप मुझे बुलाते हैं आपकी सेवा करवा दे मैं मंगला की बात नहीं है सभी बात में ओ हो भगवान थैंक यू आपने मुझसे ये कार्य करवाया थैंक यू भगवान आपने मुझे पोछा मरवाया चलो मैं आपकी कृपा से आपकी इच्छा से मैं कर ऐसे हम जब आरती करते हैं भगवान की तो जब आरती के बाद हमें प्रार्थना यही करनी है कि भगवान मेरा जो भी गलती है कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और मुझे हमेशा आपकी शाश्वत सेवा में रखिए मेरा कोई मैं कुछ नहीं हूँ ये तो आपकी कृपा से मुझे ये सेवा मिली है ये समझना है कोई भी सेवा हो झाड़ू मारने की सेवा हो यह गीता का प्रचार करने की सेवा हो मैं बहुत पावरफुल हूं देखो मैं कितना अच्छा प्रीचिंग करता हूं। मैं कितनी भगवत गीता बांट रहा हूँ मैं कितना भागवतम बांट रहा हूँ ये भावना नहीं ये तो भगवान की कृपा मुझे गाइड कर रहे है भगवान ने गाइड किया तो हम लास्ट दस दिन में पच्चीस बीस भागवतम तो वितरण कर ए, भगवान के गाइडेंस है ये हमारा योजना मतलब भगवत इच्छा ये सब चीज में भगवत इच्छा डालना है हमको भगवत इच्छा को समझना है कोई भी सेवा क्यों ना हो हुँ? कोई भी सेवा अभी मैं अकाउंट करता हूँ बहुत माथा सेवा अकाउंट की सेवा बहुत एक रुपया इधर चाहे ना चैन नहीं आता है कहाँ गया कहा गया कहाँ से पैसा आया इतना कभी कभी पैसा बचता ज्यादा होता है तो भी आ रहे यार ये पैसा ज्यादा कहाँ से आया है? है तो ये मिलाने में मिलाने में बहुत टाइम निकल जाता है अकाउंट सेवा ऐसी है।, है तो ठीक है भगवान की इच्छा मैं कर रहा हूं भगवान आपका आभार की मैं ये कर रहा हूँ सेवा यही हिसाब से प्रत्येक सेवा में ऐसा नहीं ये सब मुझे ही करने का कोई और करने वाला है नहीं है ऐसा नहीं हम्म नहीं तो हम क्या क्या है हम ये शरीर भी हमारा नहीं है हा? ये कोट भी हमारा नहीं है कपड़ा भी हमारा नहीं है हा? आ, कैसे बना सकते हैं हम कपड़ा ये रूई से बनता है रूई जमीन से आता है वो किसने दिया भगवान ने ये कपड़ा भी पहनो भगवान की कृपा से भगवत इच्छा से इसी प्रकार ये पृथ्वी जल वायु आकाश का ये शरीर नाशवन शरीर मेरा नहीं है भाई ये भगवान ने दिया है और वो भगवान का दिया हुआ भगवान की में लगाओ। बुद्धि किसने दिया है भगवान ने सूक्ष्म शरीर किसने दिया भगवान ने मन बुद्धि अहंकार भगवान ने दिया है ताकि मैं एंजॉय कर सकू मैंने इच्छा की थी भगवान जी इसीलिए हमको मन बुद्धि अहंकार का अंदर का कपड़े दिए और बाहर के कपड़े ये पृथ्वी अग्नि व आकाश के दिए ये सब समझने सिद्धांत समझने हैं तो हम भगवती इच्छा को समझ पाएंगे हरे कृष्ण श्रीमद भागवतम की जाय शिल प्रभुपाद की जाय पंचाकल्प द्रव्य कृपा सिंधु पति का नाम पावन भ्यो वैष्णव्यो नमो नमः, दंते निधाय तरण कंपदियो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहम रविमि हे साधव सकल एव विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे